अमेरिका में कुछ गूंज रहा है तो बस मोदी। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरे अमेरिका में कोई चर्चित विदेशी चेहरा है तो वह मोदी है। चाहे यूएनजी का मंच हो या फिर आज संयुक्त राष्ट्र का वह मंच जहां से मोदी ने सीधे सीधे चीन को आड़े हाथों लिया है। मोदी के बारे में ट्रंप द्वारा इमरान को दी गई यह सलाह बेवजह नहीं थी कि इस वक्त मोदी बेहद आक्रामक है, उनसे बच निकलने में ही भलाई है। पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप के अनुमान से कहीं अधिक आक्रामक हैं। यूएनजी के जलवायु परिवर्तन पर मोदी के भाषण को सुनने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सारे प्रोटोकॉल तोड़कर आ गए थे। वे मोदी के लिए तालियां बजाने में सबसे आगे रहे, पर मोदी की यह आक्रामकता अब विश्व स्तरीय नेता से कहीं आगे जा चुकी है। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिस टू टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें यूएन की लिस्टिंग और एफएटीएफ जैसी व्यवस्थाओं पर किसी भी तरह से राजनीति करने से बचना चाहिए। आतंकियों को किसी भी तरह से फंड और हथियार नहीं मिलने चाहिए। मोदी का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। यह चीन और उसके चेले पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी जैसा है। संभवतः प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन की घेराबंदी तेज कर दी है और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र से बेहतर मंच कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि दो हफ्ते बाद एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के मामले में निर्णय लेने वाला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन द्वारा पाकिस्तान को बचाने की पुरजोर कोशिशें की जा रही है। पाकिस्तान का तर्क यह है कि भारत उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उसे ब्लैकलिस्ट करने पर जोर दे रहा है, जबकि एफएटीएफ के मानकों के अनुसार पाकिस्तान खुद ही खरा नहीं उतरता है और अभी तक वह 27 बिंदुओं में से 23 बिंदुओं को पूरा नहीं कर पाया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गुटों को फंडिंग के मामले में तो पाकिस्तान शून्य है। ऐसे में पाकिस्तान पर लगातार ब्लैकलिस्ट होने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। चर्चा ऐसी भी चली थी कि इमरान खान ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, मगर ट्रंप और इमरान की मुलाकात के बाद यह निश्चित हो गया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसके पीछे भी मोदी का वह बयान है जिसमें उन्होंने 26/11 और 9/11 का उल्लेख करके अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिबद्धता याद दिलाई है। इसका मतलब यह है कि मोदी का बड़ा मिशन पाकिस्तान को किसी भी हाल में ब्लैकलिस्ट कराना है। गौरतलब है पिछले महीने ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की फंडिंग पर निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ यह कार्रवाई टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम रहने पर की गई थी। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए यूएन लिस्टिंग और एफएटीएफ पर सवाल उठाए थे। चीन का कहना था पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ बड़े प्रयास और बलिदान किए हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अधिक सहयोग तथा मान्यता देनी चाहिए। पर अब लगता यूं है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बिना चीन का नाम लिए उसकी औकात दिखा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के बाद निश्चित रूप से दुनिया के देश अब खुलकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग कल तक यह कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बाहर निकालने के प्रयास में है, उनके सुर भी बदले बदले हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत साथ साथ खड़े हैं। दरअसल दुनिया में एक बार फिर लामबंदी बढ़ रही है, जिसमें एक तरफ भारत है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन विवाद का केंद्र बिंदु पाकिस्तान है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ एकमात्र चीन ही खड़ा नजर आता है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे शक्तिशाली देश भारत के पाले में आ गए हैं। मजे की बात यह है कि जिन मुस्लिम देशों के भरोसे पाकिस्तान तहमत उठाकर चलता था, उन्होंने भी इसके पिछवाड़े पर आतिशबाजी जलाकर छोड़ दी है। यानी पाकिस्तान में अपने सीपैक के कारण फंसा चीन अब उसकी वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहा है। इसका मतलब यह है कि आजकल चीन को मिलने वाले अधिकतर ताने का कारण पाकिस्तान होता है, जिससे उसकी छवि दागदार होती जा रही है। खास बात यह है कि पिछले 3 सालों में चीन ने दुनिया का समर्थन भी लगभग खो दिया है। उसके लाख कहने के बावजूद कोई भी देश न उसके पाले में आया और न पाकिस्तान का समर्थन किया। मोदी की कूटनीतिक बिसात में ये दोनों उस्ताद चेले बुरी तरह फंस गए हैं। यानी मोदी के एक तीर के दो शिकार यही है, मतलब चीन और पाकिस्तान।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।